डिफरेंट बॉडीज़ के लोग डिफरेंट थाट प्रोसेस होता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज काफ़ी चीज़ों में लाइक एक्सपीरियंस हो गया क्वालिफिकेशन हो गई कॉस्ट वाइज हो गया स्कोप हो गया ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स हो गई और विल टॉक अबाउट दैट थोड़ा सा uh, मैं इसको ज़्यादा डीपली लेके जाऊँगा सी ए वर्सेज सी सी ए में बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज डिफरेंट स्ट्रेंथ इंसान पर ही डिपेंड करता है उसकी स्किल्स पे ना के इसकी क्वालिफिकेशन पे इन देंड बट uh, हम uh, um, कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि यार कैसे पूरा प्रोसेस बढ़ता है ओवर द ईयर्स और इसमें क्या क्या कर कंसिडर करना चाहिए तो सबसे पहले हम अगर देखें तो नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल पे तो कोर्स चार्ट अकाउंटेंसी में इतना ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है uh, मैं ख़ुद क्वालिफाई हुआ दो हज़ार सत्रह में एंड मेरे टाइम पर तकरीबन दस हज़ार लोग सिर्फ क्वालिफ़ाई हो चुके थे जो कि नाइनटीन सिक्सटी फोर समथिंग लाइक दैट उस टाइम से तो नथिंग कंपेरिजन में कुछ भी नहीं है और रिसेंटली भी अभी दो तीन साल में कुछ क्वालिफाई हुए हैं बट ए सी सी के नंबर्स आर मच हायर पाकिस्तान में ए सी सी के नंबर हाई तो कंपेरिजन वाइज नंबर्स वाइज सी एज़ आर मच लोअर मच लेस दैन आर ए सी सी एज बैक देयर और दुनिया में ए सी सी में कोई ग्लोबल क्वालिफिकेशन हैं बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान को कंपेयर ना करें वर्ल्ड वाइड भी करें तो देर आर लॉट ऑफ पीपल इन ए सी सी एज तो नंबर वाइज तो ये सीन है कि दैज़ ए ह्यूज डिफरेंस इन्हीं नंबर्स को कंसिडर करते हुए अगर हम सोचें कि यार इतने सारे लोग कहाँ जाएँगे कहाँ पर काम करेंगे कहाँ पे ट्रेनिंग्स करेंगे अपनी कहाँ पे अपना एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे तो ये है कि नंबर्स आई के एफ के भी बढ़ रहे हैं नंबर ए सी सी के भी बढ़ रहे हैं लोगों के एंड देन फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट्स वही होती हैं तो ऑफकोर्स इंडस्ट्री आर्टिकल्स इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स ये वो सब कुछ ओपिन हुआ है इवन फॉर आई के एफ स्टूडेंट्स एज वेल इन रिसेंट ईयर्स के यार uh, लोगों को अपॉचुनिटीज मिल रही है ट्रेनिंग की वेल well. इस पर हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में लाइक हाउ इट वर्क आउट फॉर द फॉर योर करियर बट फॉर नाउ लेट्स की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है बेसिकली तो एज अ चार्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट जो होता है उसके लिए फाइनल एग्जाम्स देने से पहले जो कि अभी सी फैम एस ए स्टेज जो होते हैं उनसे पहले या uh, उनके दरम्यान भी दे हैव टू गो थ्रू ए मैंडटरी आर्टिकल ये जो मैंडटरी आर्टिकल्स है ये बेसिकली आई uh, टे की साढ़े तीन साल की है और इन द पास्ट ये होता था कि जो फर्म्स हैं आप उन्हीं से करो आर्टिकल्स तो उनकी और कुछ अलाउ नहीं था फर्म uh, में आप यूजली लोग बिफोर फोर के लिए ट्राई कर रहे होते हैं एंड दैन uh, बाकी जो ए रेटेड फर्म्स हो गई या जो भी है आप फर्म्स के लिए अप्लाई करते थे बीच uh, में ये टाइम आ गया था कि लोगों को ऑफकोर्स फर्म्स में लिमिटेड हायरिंग होती है लिमिटेड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो लोगों को जगह नहीं मिल रही थी दैन दे ब्रॉड द इंडस्ट्री आर्टिकल्स एज वेल इन रिसेंट ईयर्स ये पाकिस्तान में आई है अभी इफ़ यू सी कॉम्पिटिटर लाइक अदर अदर कंट्रीज लेट्स इंडिया फॉर एग्जांपल उनके पास पहले से ये थी इंडस्ट्री प्लेसमेंट इंडस्ट्री आर्टिकल्स का सीन वो था तो पाकिस्तान में भी आई है बट इट्स वेरी फ्रेश कुछ साल ही हुए हैं ज़्यादा नहीं हुआ टाइम uh, और से का भी कामरेडी देखा जाए तो छत्तीस महीने का एक्सपीरियंस है उनको ट्रेनिंग नहीं बोलते थे नहीं दे नीट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है थर्टी सिक्स मंथस का जो कि एक अप्रूव uh, एम्प्लॉय के साथ होना चाहिए जो कि फॉर्म हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके अप्रूविंग पॉर्स होते हैं इसी के तो उस पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ये हो गया ट्रेनिंग के नंबर्स बेसिकली कि यार कितनी ट्रेनिंग करनी होगी कितना एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स हैं। अब एक, एक्चुअल देखा जाए तो लोग कहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं यूजली एंड लाइक हाउट वर्क आउट इन प्रैक्टिस तो यह कि आई कैप के स्टूडेंट जो होते हैं जो कि चार्ट अकाउंट एग्जाम्स दे रहे हैं एज ए सैडल्ट उनकी प्रीफ्रेंस है कि बिग फोर में हो जाए या फॉर्म्स में हो जाए ये रिलेटेड जो भी है इनिशियली एवरीबडी थिंग्स टू गेट गेट गो फॉर बिग फोर लेकिन वही होता है कि आपके कभी अटैम्प टैंप नहीं निकलती नॉट एलिजिबल फॉर देट इसलिए मैंने एक और वीडियो बनाई हुई तो वो आप देख लें लाइक हाउ अटैम्प्टियली इम्पैक्ट यूर होल जर्नी तो वो आप जरूर देखें लेकिन अगर इसको देखा जाए तो बिग फोर में अगर आप एलिजिबल नहीं हो रहे हो तो आप नो यू गो फॉर बी डी ओ जी टी एन अदर एडेड विच आर नॉट बैड ये गुड तो वहाँ से भी नहीं होता एंड इंडस्ट्री आर्टिकल्स एज वेल जो तो है प्रोपर प्रोसेस है कोर्स कोई पहले निकलता है डी मॉडल से या आपका जो कैफ स्टेज है कोई बाद में होता है उस सब से वैरी करता है और अब यूजली लोग ऑडिट में ही ट्राई कर रहे होते हैं फर्म्स के ऑडिटिंग डिपार्टमेंट जो होता है जो एक्सटर्नल ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करता है उसमें अप्लाई किया जाता है चार जो सी स्टूडेंट्स हैं तो लेकिन इसके अलावा लोगों को टैक्स में भी अप्लाई करते हैं मैंने देखा है लाइक टैक्स में जाते हैं लोग टैक्स में जाते हैं रोटेशंस होती हैं खिलाकर होनी चाहिए हर फर्म में रोटेशन आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस दिया जाए बट मोस्टली ऑडिट्स में ही आपको चार्ट अकाउंट स्टूडेंट जो होते हैं वो काम कर रहे दिख रहे होते हैं uh, उसके अलावा जब फर्म्स का कुछ नहीं बनता तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री आर्टिकल्स आ गई है और ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री आर्टिकल्स बुरी है देर आर वेरी गुड एम्प्लॉयर्स से इम्प्लॉयर्स है आपका एच बैंक हो गई और भी बड़े बड़े नाम हैं जो इंडस्ट्री आर्टिकल्स में हैं देर रियली गुड फॉर योर करियर अगर आप पाकिस्तान में रुकना चाह रहे हो इवन बाद में कहीं बाहर भी जाओगे तो युवा एम एन सी हमने ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेनिंग की वहाँ से उसके बाद यू ऑर्ड ने एम्प्लॉयमेंट ओवर दिया इट शुड बी गुड पोजिशन तो वो भी प्रोसेस है आ, देखा जाए तो इस हिस्से के हिसाब से पीपल डू वॉन्ट टू वर्क इन ऑर्डिट एज वेल ऑर्डिट का जो डिपार्टमेंट है इट्स द मोस्ट ईजी वे टू गेट आउटसाइड ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ द जॉब तो अगर आप रियली देख सोच रहे हो फ्यूचर में क्या मुझे जॉब करनी है लेट से यू में तो इफ़ यू वर्क इन ऑडिट दैट्स अ इजिएस्ट वे कि सबसे ज्यादा हायरिंग जो होती है आउटसाइड वो ऑर्डिट्स से ही हो रही होती हैं दैट्स वाई एवरीबडी कंडियली यार मैं ऑडिट में मेरी आर्टिकल्स हो जाए मेरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस हो जाए फॉर ए सी सी दैट वेल बट अगेन यू नो ए सी सी इज़ नॉट ए लोकल बॉडी आई कैफ इज अ लोकल बॉडी द फॉर्म्स आर रजिस्टर्ड विद आई कैफ तो ए सी सी पीपल डोंट गेट दैट माई आपके फम की ट्रेनिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी में बेसिकली वहाँ पे सी एज़ आर प्रफर्ड बिंग बींग द नेशनल क्वालिफिकेशन तो वहाँ पे उनको वो नहीं मिलता बट ए सी एज में तो बहुत सारे लोग एडवाइजरी सर्विसज जो कि बड़े सक्सेसफुल होते हैंजरी की डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा है आजकल तो पीपल पीपल डू स्विच एज वेल नॉट वेट एज सी एल एज नॉट सी एसिकली इन पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड भी डिफ्रेंसेज हैं बेसिकलीट से यहाँ की नेशनल बॉडी आई एंड देन स्कॉटलैंड की दूसरी है आई सी आई के तो इवन दो ए सी सी एज द ग्लोबल क्वालिफिकेशन बट देर आर रोल्स जहाँ के सिर्फ आपका आई का ही काम होगा जो कि बेसिकली ए सी ए होंगे ए सी सी वॉन्ट बी एबल टू साइन समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड और वो कुछ रोल्स नहीं कर सकते बिकॉज आई सी डब्ल्यू इज़ नेशनल बॉडी ऑफ यू के सिमिलरली आई के एफ इज़ नेशनल बॉडी ऑफ पाकिस्तान अकाउंटेंसी रेगुलेटर है वहाँ का तो वो जो रेगुलेट करेगा दैट्स दैट्स द बाइंडिंग बाइंडिंग वन तो वो डिफरेंस है इवन अगर यहाँ पर भी देखा जाए ए सी एज ए परफेक्ट क्वालिफिकेशन जब भी कोई ग्रेजुएट आता है फॉर्म्स में दे आज दैम टू डू द ए सी एग्जाम्स फॉर फॉर मैंडी परपजेज यू कॉन्ट जस्ट से कि मैंने ए सी सी कर लिया तो आई वॉन्ट टू ए सी ए यहाँ पे कोई भी ग्रेड आता है यहाँ पे दे दे नीड टू कोई न्यू जॉनर आता है बेसिक स्टेज पर तो ए सी एग्जाम्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैम इफ दे डों नॉट प्रोग्रेसली तो है फर्क हर कंट्री में होता है हर कंट्री की नेशनल बॉडी होती है दैट हैज दिवलेज ओवर दी अदर क्वालिफिकेशन जो कि बाहर की है विच इज वेरी रैशनल तो ये सीन है जर्नी बड़ी सेम है दोनों की लेट से एक वो लोग बोलते हैं जो मैंने भी सुनाया कि इसी से प्रवेज ज़्यादा हैं ऑफकोर्स के यार मतलब ग्लोबल लेवल क्वालिफिकेशन है इट वेल रिकोगनाइज इन दर्ल्ड

तो आई के एप इसमें काम कर रहा है बट अगेन एट विल टेक टाइम से ए सी से इज़ मोर रिकगनाइज बट लेकिन हम जर्नी को देखें अगर कुछ कंट्रीज जहाँ पे बहुत है वेल रिकोगनाइज तो दोनों की जर्नी सेम है डेट्स इफ़ यू वॉन्ट टू डू बी एन आई सी डब्ल्यू ए सी ए ना तो आप ए सी सी ए से जाओ या सी ए पाकिस्तान से जाओ जर्नी बहुत ही सेम है आई यू नीट टू कीव समेपर्स उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा ऐसा नहीं है कि आपने ए सी से किया हो तो आपको वो ऐसे ही दे देंगे मेम्बरशिप या सी ए किया हो आपको ऐसे नहीं वो नहीं होगा तो दैर्ट अ डिफरेंस डिफरेंट तो वो आप कंसिडर uh, करो वहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके बाद हम uh, कल डिटेल करियर या आपका kind of, uh, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और लॉन्ग रन उस पर जाने से पहले जस्ट बिट अबाउट कॉस्ट क्या कितना खर्चा पड़ जाता है ट्रेनिंग uh, इसका ए सी ए सी ए का या ए सी सी ए का इन पाकिस्तान तो इट्स वेरी क्लियर ए सी ची ए ग्लोबल वन पेमेंट्स भी आपकी ब्रिटिश पाउंड्स में होती है विच इज़ प्रॉबली टू थर्टी राइट नाउ तो एंड uh, उनकी फीस भी होती है uh, कोई भी आप फॉरेन क्वालिफिकेशन करो वो महंगी पड़ेगी तो ऑलवेज ऐसी चीज एक्सपेंसिव एज ए केंसी है अगर हम पाकिस्तान में बैठ के बात करें लाइक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल के हिसाब से तो ट्यूशंस जो लेते हैं बेसिकली आप uh, टीचर्स से तो दोनों की फीस में ज़्यादा फर्क नहीं होता बेसिकली सी ए का सब्जेक्ट हो गया ए का हो गया तो दोनों आगे पीछे चल रहे होते हैं लेकिन इट्स द कॉस्ट द डिफर्स इज बेसिकली कि यार जो रजिस्ट्रेशन हो गई जो एग्ज़ाम फीस हो गई पाकिस्तान जो सी है उसकी तो रुपीज़ में होती है जो कि हमें पता है लगे दस पंद्रह बीस हज़ार होगी लेकिन ए सी की जो होती है वो पाउंड में जाती है और उनके हिसाब से होती है यू के हिसाब से तो दैट्स एक्सपेंसिव उसके बाद वही सब्सक्रिप्शन जो फी होती है एनुअल वो भी ए सी से ज़्यादा है सी की कम है अगेन इट्स पाउंड पी के वो उनकी करेंसी है उनके रेट्स हैं तो यू कॉन्ट कम्पेयर तो ये सीन है पर तो इस पर ये करूंगा कि अगर आप यू आर स्टार्टिंग बट आपके पास यू you नो know, लोअर मिडल क्लास बेसिकली तो ए सी सी कैन बी बिट एक्सपेंसिव और सी ए सी एज़ बिट टफ बी वेरी फेयर एज ए कैस ए सी सी इन पाकिस्तान तो जस्ट नीड टू डिसाइड क्या मुझे क्या है और किस तरह करना चाहिए तो so वो आपको आपके लिए एक सोच का टॉपिक है यार मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ ऐसा नहीं कि कोई भी क्वालिफाई नहीं होता है लाइक like, बहुत हर क्वालिफाइबल मैं भी क्वालिफाई हुआ हूँ लोग भी होते हैं सी ए इज़ टफ बट इट्स नॉट लाइक एंड ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है आराम से और ए का भी अगर नहीं पढ़ोगे तो आप वहाँ पे भी नहीं होगे क्वालिफाई अगर पढ़ोगे तो हो जाओगे आराम से तो ये सीन है वहाँ पे अब थोड़ी सी बात करते हैं सीए और ए के करियर की बेसिकली इन पाकिस्तान और या अगर आप बाहर जाना चाह रहे हो तो हाउ वर्क वर्कआउट थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे आई के के बारे में ए के बारे में एंड देन आ, लोकल लेवल पर क्या पे विजेस हैं क्या नहीं एक्सेट्रा उसके बारे में तो एज़ यू ऑल नो आई केफ पाकिस्तान प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटेंसी जो कि से अकाउंटिंग रेगुलेटर है हमारा तो एंड इसी से ग्लोबल वन जो कि इट्स इट्स नॉट लिमिटेड एनी कंट्री कुछ कंट्रीज उसको चार्ट बॉडी मानते हैं कुछ नहीं मानते तो आई के पाकिस्तान में ये चार्ट बॉडी लाइक इन एसेंस नहीं मानी जातीस देर दिख बट सी दार्टॉडी ऑफ पाकिस्तान जिस विच इज़ रिस्पांसिबल फॉर एवरी थिंग इन अकाउंटेंस इज प्रोफेशन तो वो है विच इज़ वेरी सिमिलर फॉर मैनी अदर कंट्रीज़ आई सी डब्ल्यू होती है यू के में दैन स्कॉटलैंड में आई सी एस है एंड देन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया उनका अलग है तो एवरी कंट्री हैज़ डेड बॉडी तो वो तो होता ही है पाकिस्तान uh, में नंबर्स की मैंने पहले बात की थी कि आर सी के नंबर्स कम है सी सी के ज़्यादा हैं बट अगेन इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट्स uh, तो दोनों की होती हैं अकाउंटेंस प्रोफेशन इज ग्रोइंग लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो दोनों का है Uh, अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ऑफ़कोर्स एज मैंने बताया कि आई कैप एज द रेगूलेटर तो ए सी हेज़ प्रायोरिटी बेसिकली और ए सी सी एज फो सम अब अगर आप बेसिक रूल्स की बात करें तो बहुत सेम अगर आपको अकाउंट्स प्रोसेस करने हैं फाइनेंस का काम करना है बहुत द नॉलेज बहुत कर सकते हैं बट आर सम सम रिक्वायरमेंट्स सम लीगल रिक्वायरमेंट टेस्ट से ऑडिट जो होती हैं वो रजिस्टर्ड हैं आई कैप के साथ बिकॉज दे आर द नेशनल रेगुलेटर तो उनको एज ए ट्रेनिंग आई कैप तो वहाँ पे भी दे सी ए कैंडिडेट्स चूंकि वो uh, uh, body, दे आर वर्किंग एज ए बॉडी जिनको ए सी ट्रेनिंग देनी है लोगों को स्टूडेंट्स को तो वो है उसके अलावा और भी कुछ होती हैं लट्स कुछ रिकॉयरमेंट्स रेगुलेश चार अकाउंटेंट हो कैन सर्टिफाई सम डॉक्यूमेंट्स तो देर आर रोल्स जहां पर होता है कि नेशनल बॉडीज ओवर फॉरन बॉडी वेरी वेरी फेयर इन सरस इन एवरी कंट्री ये सीन है अब अगर हम ट्रेनिंग की बात की, करे, करें करेंट से आ, अगर आप काम कर रहे हो फॉर्म में आ, इधर यू एस सी ए सी सी ए आपने काम किया तीन साढ़े तीन चार साल का जो भी रिक्वायर पीरियड है आ, क्या दोनों की बर्थ में डिफरेंस है मैं इसको कंपेयर करूँगा अगर आप पाकिस्तान के बाहर जा रहे हो तो मोरल बहुत सेम एक्चुअली ए सी सी कैसे एज इसलिए मिलता है कि इस चीज़ की ट्रेनिंग रिकॉयरमेंट जो है ना वो है तीन साल की और लाइक दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स तीन साल की और ए सी ए जो है उसकी साढ़े तीन साल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं ट्रेनिंग की तो फॉर्म्स जो करती हैं कि यार जो एक्सपीरियंस रिकॉयरमेंट्स मांगती हैं मतलब तीन साढ़े तीन चार साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो तीन साल वाला ए सी सी ए कैन अप्लाई पहले ही यू कैन स्टार्ट हिज जर्नी अर्लियर एज अगेंस्ट यू आपको छः महीने और इंतजार करना पड़ेगा तो दैट्स वन ऑफ द फैक्टर्स के ए सी सी और ये होता है कि ए सी सीट क्वालिफाइड जब वो आते हैं ट्रेनिंग uh, के लिए और यू आर योर जर्नी तो वो क्वालिफा थे उन्होंने ट्रेनिंग ली अपनी एक्सपीरियंस पूरा किया एंड दैन दे कैन मूव ऑन फॉर अदर जॉब तो उनको एज होता है उसमें उसके अलावा अगेन एज सैड ए सी चीज़ ए ग्लोबल वन तो कुछ कंट्रीज़ में सी पाकिस्तान इज़ नॉट रिकॉर्गनाइज तो वहाँ पर ए सी चीज़ इसको एज मिलेगा आप कोर्स और फर्म से जा रहे हैं तो फर्म का एक्सपीरियंस प्लस ए सी चीज़ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी तो उसकी बेसिस पे दे गैट समय बट लोकल लेवल पर देखा जाए इन इंडस्ट्री आफकोर्स चार्ट अकाउंट गैट दिन पाकिस्तान वहाँ पे देर हायर फॉर मेजर रोल्स बड़े रोल्स जितने भी होते हैं एंड कुछ कंपनीज की पॉलिसीज होती हैं चार्ट अकाउंट को लाइक जैसे एच बी एल हायर फॉर एस एम मैनेजर एस एम से ओनली लाइक इन दायर द मैनेजर्स जो अपनी पॉलिसी है इसके अलावा और भी कंपनीज की डिफरेंट पॉलिसी हैं डिफरेंट रोल्स हैं कंपनी सेक्रेटरी टाइप हो गए सेक्टर जहाँ पे आ, दे आस्को दैट क्वालिफिकेशन तो ये है यूजली क्या होता है किफ़ यू सीधे न्यूज़ आर्टिकल्स पाकिस्तान में लाइक जॉब आर्टिकल जो आते हैं पब्लिश तो होता है कि यार ए सी सी हो या सी ए पार्ट क्वालिफाइड हो तो ए सी सी ए लाइक इंडस्ट्री में ए सी सी ए अगेंस्ट सी ए पार्ट क्वालिफाइड इसकी ट्रेनिंग की हुई इसका अभी एग्जाम्स पूरे नहीं निकले तो वो यूजली होता है देन देर आर वैकेंसीज फॉर सी क्वालिफाइड सेपरेटली तो इस तरह है uh, अगर आप लेकिन देखा जाए अगर आपने इंडस्ट्री में ट्रेनिंग तो की दोनों ने तो दोनों की जर्नीज बड़ी डिफरेंट हैं एंड देन यू डेवलप ऑन योर ओन स्किल सेट अपनी कैपेबिलिटी पे डेवलप करोगे बिकॉज दैट ऑर्गेनाइजेशन हैव सीन यू फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कि आप किस तरह डेवलप हो बेस्ड ऑन यूर यूर सेल्फ नॉट लाइक आप किस प्रोफेशन से आए हो तो वहाँ पर वो इंडस्ट्री में बट ओवर ऑल इट एज अ डिफरेंस इन इंडस्ट्री सैलरी डिफरेंस है लोअर सैलरीज इन पाकिस्तान एट से अकाउंटेंट्स जो कि क्वालिफाइड होते हैं तो दे ग एक्सपेक्ट गुड सैलरी एंड देट अ गुड सैलरी यूजली बट ऑल इन ऑल इस से स्टार्ट उसके बाद आगे जो भी होता है वो आपके इंडिविजअल टैलेंट इंडिविजअुल्क और पर्सनलिटी पर पे पे भी डिपेंड करता है मूव दैट वे तो आई गेस दीज आर सम ब्रॉड डिफरेंसेस अब मैं इसको समराइज करूंगा फ्रॉम फ्राम ऑफ बिग फोर ऑफ कोर्स लाइक हाउ हाउ वी थिंक व्हेन वी गेट इनटू अ प्रोफेशन एंड जब हम अकाउंटिंग फॉर्म्स में जाने के सोच रहे होते हैं तो लेट्स से अगर आप फॉर्म में जाते हो लेट्स से अगर आप बाहर जाना चाह रहे हो सबसे पहले तो लाइक इफ यू वॉन्ट टू मूव आउटसाइड एंड यू गॉट इन द फॉर्म एवरीबडी ट्राई समबडी बडी गेट इन टू डज तो अगर आप पहुँच गए फॉर्म में बहुत ए सी सी ए सी ए तो दोनों ने ट्रेनिंग की तो ऑफकोर्स जब ए सी सी ए को इन द एंड एज मिलेगा जैसे मैंने पहले बताया कि नंबर वन बीस एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट एज एस आई कैप एंड ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पर थोड़ा सा एज मिलेगा सेकेंड ये है कि आप बाहर जाना चाह रहे थे लेकिन आपको फॉर्म में नहीं हुआ दोनों का अर्ट से ना ना सी ए ना ए सी सी का तो आ, आपने इंडस्ट्री में काम किया और आपका जो भी है एक इंटायर अलग जर्नी बन गई बिकॉज इंडस्ट्री से हायरिंग हायर थोड़ी सी मुश्किल होती है इट्स अ डिफरेंट रूट ऐसा नहीं कि आपने ऑर्डर का काम किया यू प्लेटफॉर्म ऑर्डर बात करता हूँ ऐसा नहीं होता तो वो एक अलग ही जर्नी है बट वो दोनों आपकी अलग अलग द वे यू टा एलोप्ट ओवर टाइम उस पर डिपेंड करता है uh, तीसरा है कि अगर आप पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं और आपने फर्म में काम किया है uh, तो क्वालिफाइड सी आउट से वुड गेट मच मोर एज और इसी चीज़ आप फर्म से क्वालिफाइड हुए गो फॉर अ गुड पोजिशंस और अगर आप इसी से भी फर्म से किया ट्रेनिंग हुई है बट यू माइट नॉट गेट दैट गुड पोजीशन इन इंडस्ट्री तो ये तो फ़र्क है वहाँ पे तो तब मैंने यही बोला इसी से मैं जो फर्म में देखता हूँ पीपल ट्राई टू मूव आउटसाइड बेसिकली क्योंकि वो उसी और इसी से एक ही आता है एंड इट्स द फर्म एक्सपीरियंस गिफ्ट है मैंने वो बाहर निकल जाए तो ये है और उसके अलावा लास्ट ये है कि अगर आप दोनों पाकिस्तान में काम करना चाह रहे थे एंड देन आपने इंडस्ट्री आर्टिकल्स की है तो वही है कि आपका प्रोसेस जर्नी जो भी होगी वो आपके हिसाब से होगी आपके करियर के आपके टैलेंट के हिसाब से होगी स्किल्स के हिसाब से होगी सब कुछ इट हैज़ नो बेरिंग के बेसिकली जब आप फर्म में होते हो एज ट्रेनिंग कर रहे हो और पाकिस्तान में आप काम कर रहे होते हो तो उनको एज मिलता है क्योंकि वो चार्ट अकाउंट्स हैं बट अगर आपने स्टार्ट अपना करियर इंडस्ट्री में किया है तो उन्होंने इंडस्ट्री आर्टिकल्स तो वही बात है कि आपकी जो कंपनी है जिसमें आप काम कर रहे हो आपको देख रही है शुरू से कौन अच्छा काम कर रहा है तो उसके हिसाब से आपको फ्यूचर में जॉब ऑफर भी होंगी या आपको थोड़ा सा एज भी दिया जाएगा तो वो है उसके हिसाब से ऑल इन ऑल आई थिंक बोथ आर गुड बट पाकिस्तान में लाइक कंट्री नेशनल बॉडी प्रिवेल्स आई कैप हैज द एज और बॉडी है तो ये है बट वही है कि मैं लास्ट एडवाइस मेरी यही है कि आप पहले डिसाइड करो आपका करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है फ्यूचर में कहाँ पे काम करना है किस तरह काम करना है एक्सेट्रा बिकॉज uh, एक बड़ा चैलेंज है ए सी के लिए कि उनको फॉर्म्स में ट्रेनिंग नहीं मिलती दैट फ्रिक्वेंटली एज अगेंस्ट चार्ड अकाउंटेंट्स वैसे तो सी को भी नहीं मिलती अब तो बट ए सी के नंबर्स क्योंकि तो बहुत ज़्यादा हैं और ओपनिंग्स लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है तो ये आप कंसिडर करें कोई भी डिसीजन लेने से पहले और अगर, अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए कोई डिटेल चाहिए तो आई एम हैव टू हेल्प यू तो आप कुछ भी आप कमेंट में लिख सकते हैं तो आई एम हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू यू और मेक अनदर वीडियो अगर ज़रूरत पड़े तो